नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छेड़खानी के खिलाफ सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन कर रही छात्राओं पर शनिवार की देर रात वाइस चांसलर के आवास के बाहर पुलिस और पीएससी ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में एक छात्रा और तीन छात्र घायल हुए हैं। घायल छात्र छात्राओं को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। लाठी चार्ज होने से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने विरोध में पथराव कर दिया, साथ ही आगजनी भी हुई है। पूरे कैंप में तनाव का माहौल है। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कैंप परिसर के भीतर और बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात है। एक लड़की पे पांच छह लोग पकड़ के ये हमको मार रहे हैं, छह सात लोग मिलके और उनको और उनका गंदा गंदा गाली, इतने गंदे तरीके से वो गाली दे रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा वो इतने गंदे से क्यों गाली। देखिए, वो वाली वीडियो क्लिप अभी मैंने देखी नहीं है, आप मुझको बता रहे हैं, मैं इसको जैसे ही वीडियो क्लिप में देखूंगा उसके अनुसार जांच करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। बीएचयू के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी भी जो यूनिफॉर्म है वही खाकी कलर की है जो कि पुलिस की वर्दी की। कैमरा लगाने की प्रक्रिया हमारे विश्वविद्यालय में ऑलरेडी चल रही है। कुछ छात्राओं ने और भी बात कही कि उनकी सुरक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय और संवेदनशील हो। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। हमको कहीं न कहीं से थोड़ी सूचना थी कि कुछ अराजक तत्व यहां पर पूरी तैयारी की है कि इस कैंपस के माहौल को। एएनटी नेशनल ब्यूरो रिपोर्ट।